सुरीर के गांव लोहे में चल रही नवरात्रि के पावन अवसर पर 35वां वार्षिक महोत्सव मनाया गया। इस दौरान लोही में 3 दिवसीय कार्यक्रमों का आगाज हुआ, जिसको लेकर शुक्रवार को विशाल दंगल का आयोजन किया गया। मल्ल विद्या में उत्तर प्रदेश के ही नहीं बल्कि हरियाणा, राजस्थान और पंजाब क्षेत्र के पहलवानों ने अपने अपने दांव पेश दिखाए। का संचालन ठाकुर सतन सिंह द्वारा किया गया, वहीं अध्यक्ष शिव कुमार सोनी रहे। इस दौरान महिला पहलवानों ने भी पहलवानी के दांव पेश दिखाए, तो वहीं मुख्य अतिथि के रूप में सेकुलर मोर्चा के जिला अध्यक्ष जगदीश नौवाल, क्षेत्रीय महासभा और राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश उपाध्यक्ष कुंवर नरेंद्र सिंह समेत दर्जनों गणमान्य लोग वहां उपस्थित रहे। वहीं दंगल में कमेटी द्वारा कुंवर नरेंद्र सिंह और जगदीश नौहवार का सोफा पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं आगरा से आई महिला पहलवान सलोनी और बाजना की पहलवान प्रियंका के मध्य मल्ल कुश्ती हुई, जिसमें प्रियंका ने सलोनी को हराकर विजय हासिल की और पुरस्कार की राशि भी प्राप्त की। ब्रज क्षेत्र में चली आ रही परंपरा को लेकर कुंवर नरेंद्र सिंह और जगदीश नौहवार ने बताया कि कुश्ती को राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने के लिए राज्य सरकार को पहल करनी चाहिए। जिस तरह से टेलीविजन पर क्रिकेट प्रसारित होता है, वहीं मल्ल विद्या भी टेलीविजन पर प्रसारित की जानी चाहिए, जिसको लेकर प्रयास भी किए जा रहे हैं। वहीं 3 दिवसीय कार्यक्रम का संचालन कर रहे ठाकुर सत्येंद्र सिंह ने दंगल के बारे में जानकारी दी। क्या कार्यक्रम यहाँ चल रहा है? हमारे यहाँ ये दंगल का आयोजन माँ देवी दुर्गा माँ का मंदिर है, उसमें 35 साल से हम लोग यहाँ मेला लगाते हैं। नवमी के दिन मेला लगता है यहाँ, उस दिन यहाँ मैया का गायन वगैरह प्रोग्राम कराते हैं, नौटंकी वगैरह का प्रोग्राम कराते हैं। दशहरा के दिन हम लोग दंगल लगाते हैं, रात को भी यहाँ रसिया दंगल और उनका प्रोग्राम है रागनी वगैरह का, और कल एकादशी में यहाँ बहुत बड़ी आतिशबाजी का प्रोग्राम होता है। तो ये मेला हमारा 3 दिन चलता लगा था जी, और यहाँ बहुत ही हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, कई पंजाब तक के प्रांतों से कई बहुत बहुत दूर से यहाँ मेहमान आते हैं जी, और सभी यहाँ अपना आके दमखम दिखाते, क्योंकि ब्रज क्षेत्र की एक कला है और ब्रज क्षेत्र की पहचान ही पहलवानी है जी। और अब की बार तो हमारी जो बेटियाँ हैं जो आई हैं, और वो दंगल पिक्चर में हमने सुना था, लेकिन अब हम साक्षात देख रहे हैं, आज बेटियां भी इस स्तर पर उतर रही हैं, तो हमें बड़ी खुशी हो रही है और हम लोग उनका उत्साह बढ़ाने के लिए हमेशा उनके साथ हैं और हमारा आशीर्वाद उनके साथ है। कब से चल रहा है ये दंगल का कार्यक्रम? ये 35 साल हो गई, 35वां मेला है। देखिए ऐसा है, ये आदिकाल से हमेशा दंगल के कार्यक्रम होते रहे और सबसे खुशी की बात है कि दशहरा का दिन है और बुराई को ख़त्म करके अच्छाई का दिन आज मनाया जाता है। इस मौके पर आज हमने देखा कि हमारी बेटियां भी इसमें शामिल हुई हैं, उनके लिए हम सबसे पहले बधाई देते हैं। क्षेत्र के लोगों की, छत्तीसगढ़ के लोगों की, हमारे आयोजक सतेंद्र जी और हमारे भाई साहब आए कुमार साहब, सभी लोगों का हम धन्यवाद करते हैं। इस तरह के कार्यक्रम होते रहे और समाज में इस तरह की बढ़ावा मिलेगा तभी कुछ अच्छा होगा। और मैं चाहूँगा कि आगे आने वाले भविष्य में हमारी बेटियाँ ज़्यादा से ज़्यादा इस क्षेत्र में उभरें। जैसे क्रिकेट का जो खेल है वो राष्ट्रीय लेवल पे सारे चैनलों पे दिखाया जाता है, मैं चाहता हूँ कबड्डी और ये कुश्ती का जो खेल है ये राष्ट्रीय स्तर पे टीवी चैनलों पे दिखाया जाए, क्योंकि हमने कबड्डी राष्ट्रीय संघ की हमारे टीम बनाई है और उसमें हम 1800 करोड़ का हमारा पैक्ट भी हुआ है सोनी टीवी के साथ जी। कबड्डी के हम जिले में टीम घोषित करने जा रहे हैं, ऐसे ही हम इसका अगला स्टेप होगा हमारा कि हम इसको भी दंगल को भी और पहलवानी को भी उसी स्तर पर ले जाया जाए। और क्योंकि हमारी ये परंपरा रही है, हमारी हमेशा एक रूटीन में लगा रहा है जी। ये हम दुनिया में सबसे ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ावा दे सकते हैं और यही हमारा होगा कि हम ओलंपिक में और वर्ल्ड में जितने भी मेडल हैं वो लाने का सबसे आसान हमारे बच्चे लाएंगे, लाए भी हैं, आपने देखा होगा। हरियाणा ने सिर्फ थोड़ी सी एक प्रोत्साहन करा सरकार ने कि जो बच्चे वहाँ खेल में लाए और उनको सरकारी नौकरी दी, तो आज हरियाणा नंबर 1 रहता है चैनल सारे मेडल लाने में जी। यही काम यदि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार बाकी स्टेट कर दें तो हम दुनिया में छा जाए, सारे मेडलों का हम लोग काबिज हों, यही एक सबसे अच्छा रास्ता है जो हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने का। मैं ऐसी कहना चाहेंगे आज यहाँ दंगल का आयोजन हुई में यहाँ की समस्त छत्तीसगढ़ की सरदारी और हमारे नौबारी नरवारी के सभी नरवर यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सबसे प्रथम तो सभी को विजयदशमी की शुभकामनाएं देता हूँ और साथ ही ये दंगल और कुश्ती ये ब्रज की परंपरा रही है। इस ब्रज भूमि ने चंदन पहलवान, मोहन पहलवान, मैं तो सौभाग्यशाली में रहा हूँ, मैंने किंग कॉन्ग और दारा सिंह की भी कुश्ती किशोरगढ़ महाविद्यालय में देखी है जी। तो ये परंपरा रही है और आज से ही नहीं, ये आदिकाल से
बलभद्र भगवान दाऊ जी महाराज, ये तो मल्ल विद्या केंद्र के मुख्य आकर्षण का केंद्र है। तो ये द्वापर से चली आ रही है परंपरा, और जो ब्रज में आज भी विद्यमान जी, मैं देख रहा हूँ जनपद में ही नहीं, जनपद के बाहर प्रांतों से भी यहाँ के बड़े बड़े कुश्ती दंगल आयोजित किए जाते हैं। तो ये एक परंपरा है, स्वस्थ परंपरा है, और इसका सरकार को प्रोत्साहन देना चाहिए। वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे भारत के पहलवानों ने कीर्तिमान स्थापित किए, गोल्ड लिए, सिल्वर लिए, ब्रॉन्ज लिए, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि बच्चियाँ हैं, हमारी कन्याएं जो हैं, जो सुपुत्रियाँ हैं, ये भी नाम रोशन कर रही हैं, क्योंकि इसमें एक फिल्म भी बनी थी दंगल। तो आज मुझे इन बच्चियों को देख के इसी फिल्म की याद भी स्मरण ताज़ा हो गई। तो मैं सभी पहलवानों को शुभ आशीर्वाद, शुभकामनाएं देता हूँ, आशा करता हूँ कि ऐसे ही दंगल लगते रहें जिससे क्षेत्र का नाम रोशन।